हेलो गाइस, बाइनरी ट्रेड से आप लोग कैसे पैसा कमाएंगे और कैसे इस ऐप को यूज़ करना है, सब कुछ आज की इस वीडियो पे आपको डिटेल में बताने वाले हैं। देखिए, नया एक एप्लीकेशन आया है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है और अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट दिया जा रहा है और ज़्यादा अभी के टाइम पे आपको डाउनलोड देखने को नहीं मिलेगा। 100 प्लस का आपको अभी के टाइम पे डाउनलोड देखने को मिल रहा है और कितना हद तक ट्रस्टेड बनता है उसके ऊपर भी थोड़ा बहुत आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे, आपके सामने यहाँ पे हाउ टू ट्रेड का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे ट्यूटोरियल को क्या करेंगे, हम लोग स्किप कर देंगे। तो चलिए स्किप कर लेते हैं। स्किप करने के बाद कुछ इस तरीके के इंटरफेस आपके सामने आ रहा है और यहाँ पे साइन अप का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। तो साइन अप करने के बाद आपके रियल अकाउंट में जो है कि 10 रुपये दिया जाएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, साइन अप कर लेते हैं। तो साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद देखिए मोबाइल नंबर और यहाँ पे जो है कि पासवर्ड देने के बाद आपका साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। तो हम लोग पहले यहाँ पे साइन अप कर लेते हैं। तो यहाँ पे कर लिया है हमने साइन अप। साइन अप करने के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, देखिए रियल अकाउंट में पैसा 0 है लेकिन प्लस 10 रुपये यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि साइन अप करने का जो बोनस है 10 रुपये वो हमें मिल चुका है। और यहाँ पे डेमो अकाउंट भी दिया जाता है जो कि हर एक ट्रेडिंग सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है कि 10,000 रुपये यहाँ पे सेट किया हुआ है डेमो अकाउंट में। इस डेमो अकाउंट के पैसे से पहले आपको ट्रेडिंग कर लेना है। देखिए पैसा कैसे कमाएंगे, पैसा कमाने के लिए आपको यहाँ पे दो मेथड देखने को मिल जाएगा, दो ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। एक हो गया पुट वाला ऑप्शन, एक हो गया कॉल वाला ऑप्शन, ठीक है। तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पे जो ग्राफ चार्ट देखने को मिल रहा है, इस ग्राफ चार्ट का जो प्राइस है वो अगले एक मिनट के लिए, जी हाँ दोस्तों, अगले एक मिनट के लिए उसका जो प्राइस है वो घट जाएगा या फिर बढ़ जाएगा, इतना ही सिर्फ और सिर्फ आपको प्रेडिक्ट करना है, यानी कि अनुमान लगाना है। तो चलिए मैं अभी के टाइम पे आपको अनुमान लगाकर बता देता हूँ। अनुमान लगाने के लिए यहाँ पे जो है कि आपको पैसा सेट करना होता है कि आप एक बार में कितना पैसा लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 20 रुपये सेट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे इसको 100 रुपये कर देता हूँ, ठीक है। तो 100 रुपये करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नीचे की तरफ लगा दूँगा। तो यहाँ पे देखिए कन्फर्म करने का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसको हम लोग कर देंगे ऑन, ठीक है। ये जो ऑप्शन है अगर इसको ऑन कर देंगे तो हरदम हमें जो है कि कंफर्म करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो एक बार हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, अगली बार से जब भी हम यहाँ पे ट्रेडिंग करेंगे फिर से रीकन्फर्म करने का ऑप्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो देखिए हमने क्या किया है, 100 रुपये लगा दिया है नीचे की तरफ, यानी कि इसका जो प्राइस है वो नीचे की तरफ आ जाएगा अगले एक मिनट में। अगर नहीं आता है तो फिर मेरा यहाँ पे 100 रुपये का नुकसान हो जाएगा। आप देख पा रहे हैं कि मेरे जो अकाउंट है उस अकाउंट से 100 रुपये काट भी लिया जा चुका है, यानी कि मैं अगर हार जाता हूँ तो फिर मुझे कुछ भी वापस नहीं मिलेगा। अगर मैं विन कर जाता हूँ तो कितना पैसा मिलेगा, देखिए 100 रुपये मैंने यहाँ पर लगाया है, इस एसेट का मुनाफे का परसेंटेज यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 78%, यानी कि 100 रुपये मैंने लगाया है तो 78 रुपीज़ का मेरा यहाँ पे मुनाफा हो जाएगा। और बाय द वे यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी आ रहा है छोटा सा करके, आप देख पा रहे होंगे कि 187 रुपीज़ मेरा यहाँ पे मुनाफा होने के बाद मिल जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है कि मेरा कितना मुनाफा हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 100 रुपये लगाया था और 100 रुपये का यहाँ पे हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये जो ऐप है एक रिसेंटली लॉन्च एक ऐप है और इसका जो डेमो अकाउंट है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ठीक है। ऐसा भी बहुत सारे एप्लीकेशन में होता है, तो जब तक इस एप्लीकेशन का एक नया अपडेट हमें देखने को नहीं मिल जाता है तब तक आप लोग यहाँ पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको फिर से यहाँ पे ट्रेडिंग करके बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 100 रुपये से हमने ट्रेडिंग किया था, अभी मैं क्या करूँगा 5,000 रुपये यहाँ पे डायरेक्ट ट्रेडिंग के लिए लगा दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे मैंने 5,000 रुपये को कर लिया है सिलेक्ट और यहाँ पे कॉल के ऊपर क्लिक कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 5,000 रुपये जो है कि इंस्टेंटली काट लिया गया है मेरे डेमो अकाउंट से और ऊपर की तरफ मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अगर मैं विन कर जाता हूँ तो फिर कितना रुपए मिलना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कितना रुपए मिलना चाहिए, 9,350 रुपये मुझे मिलना चाहिए।
तो देखते हैं विन करते हैं या फिर हारते हैं। अगर हार जाते हैं तो 5,000 रुपये ही बच जाएगा, 5,000 रुपये पूरा का पूरा मेरा यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। अगर जीत जाते हैं तो फिर कितना, 9,350 रुपये एडिशनल मुझे मिल जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे हारते हैं या फिर जीतते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हो जाए लेकिन डेमो अकाउंट ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में देखते हैं इस बार काम करता है या फिर नहीं। काफ़ी बार होता है एक नया एप्लीकेशन जब लॉन्च होता है तो डेमो अकाउंट ठीक से काम नहीं करता है, तो ऐसे में रियल अकाउंट में पैसा बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। अगर आपका डेमो अकाउंट ठीक से काम नहीं कर रहा है तो रियल अकाउंट भी ठीक से काम नहीं करेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं विन कर चुका हूँ और अभी के टाइम पे मेरा जो डेमो अकाउंट है वो अच्छे से काम किया है। तो पहली बार जो मैंने पैसा लगाया था तब यहाँ पे अच्छे से वर्क नहीं किया था, लेकिन उसके बाद वाला सेक्शन में जैसे आप देखेंगे 5,000 मैंने यहाँ पे लगाया था, 9,350 रुपये मेरा यहाँ पे मुनाफा हो चुका है। वो पैसा इंस्टेंटली मेरे डेमो अकाउंट में आप देख पा रहे होंगे कि मेरे डेमो अकाउंट में वो पैसा इंस्टेंटली जो है कि ऐड भी कर दिया गया है। तो चलिए इसका जो हिस्ट्री है वो हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। तो नीचे आपको हिस्ट्री वाला सेक्शन भी देखने को मिल रहा है। तो देखिए पहली बार में हम लोग यहाँ पे 100 रुपये लगाए थे और हिसाब से जो है कि हमें 187 रुपीज़ मिलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 100 रुपये का ही यहाँ पे हमें मुनाफा हुआ। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि पहली बार जो हमने लगाया था उसका जो है कि नुकसान या फिर प्रॉफिट हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला है, लेकिन दूसरी बार जब हमने लगाया था यहाँ पे हमारा प्रॉफिट हुआ है। और डेमो अकाउंट पहली बार में जो है कि हमें अच्छे से वर्क करता हुआ नज़र नहीं आया है, लेकिन दूसरी बार जब हम लगाए थे तो यहाँ पे अच्छे से वर्क किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे एक माइनस पॉइंट ये तो हमें देखने को मिल ही रहा है कि अच्छे से ये ऐप जो है कि अभी के टाइम पे वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे में उतना हद तक आपको ट्रस्टेड देखने को नहीं मिलता है। और यहाँ पे एसेट की बात करें तो यहाँ पे आपको एसेट भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन आपको जो है कि अभी के टाइम पे लॉक वर्जन में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है कि काफ़ी ज़्यादा आपको एसेट भी देखने को नहीं मिल रहा है। और बात करते हैं यहाँ पे बिटकॉइन का, तो बिटकॉइन में आप देख पा रहे होंगे कि USDT में आपको देखने को मिल रहा है, उसको जो मुनाफे का जो परसेंटेज है वो 78% है, काफ़ी अच्छा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ है कौन सा, यहाँ पे जो है कि इंडेक्स आपको देखने को मिल रहा है वो बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बिटकॉइन को सिलेक्ट कर लेते हैं एक बार और फिर से हम लोग यहाँ पे ट्रेडिंग करके देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 5,000 फिर से मैं यहाँ पे ऊपर की तरफ लगा देता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तब तक यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, चेकआउट कर लेते हैं कि विथड्रॉल वाला रूल्स क्या क्या हमें देखने को मिल रहा है। तो नीचे मी वाला सेक्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे देखिए इन्वाइट फ्रेंड का भी ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो बैलेंस के ऊपर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, बैलेंस भी आपको 0 देखने को मिल रहा है, बोनस भी आपको यहाँ पे 10 रुपये देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको विथड्रॉल वाला सेक्शन देखने को मिल रहा है। तो चलिए विथड्रॉल के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे गो टू डिपॉजिट का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारे पास पैसा नहीं है तो हम लोग यहाँ पे जो विथड्रॉल का क्राइटेरिया है वो भी हम लोग यहाँ पे चेकआउट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये भी एक बड़ा माइनस पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता नहीं है कि विथड्रॉल करने के लिए कितना मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे अदर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की बात करें तो 200 रुपये होता है या फिर हाईएस्ट 500 रुपये होता है मिनिमम जो है कि विथड्रॉल करने का, लेकिन वो रूल्स लिखा हुआ आ जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी रूल्स विथड्रॉल वाला देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे आपके पास पैसा आ जाएगा उसके बाद ही आप यहाँ पर जो है कि विथड्रॉल रूल्स को भी चेकआउट कर पाएंगे और विदड्रॉल भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये ऐप का कहना है, तो ये कहीं ना कहीं एक बड़ा माइनस पॉइंट भी हो जा रहा है। तो यहाँ पे हिस्ट्री को चेकआउट कर लेते हैं, थोड़ी देर पहले जो हमने लगाया था उसका भी यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मुनाफा हो चुका है और मुनाफा होने के बाद डेमो अकाउंट में पैसा ऐड भी कर दिया गया है। डेमो अकाउंट में यहाँ पे ज़्यादातर क्या होता है, ऊपर की तरफ लगाएंगे तो ज़्यादातर आप विन कर जाएंगे, मतलब यहाँ पे नुकसान होने का चांसेस काफ़ी कम हो रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पे देखेंगे, मैं फिर से यहाँ पे पुट के ऊपर, मतलब कोई भी रिसर्च मैं यहाँ पे करता नहीं हूँ, ऐसे ही पैसे को लगा देता हूँ। तो देखते हैं फिर से मैं यहाँ पे विन कर जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही हो रहा है, मतलब डेमो अकाउंट में आपको रियलिस्टिक जैसा फीलिंग्स यहाँ पे नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ग्राफ चार्ट भी अगर आप देखेंगे काफ़ी डिफ़िकल्ट आपको स्ट्रैटेजी में देखने को मिलेगा, ग्राफ चार्ट उतना आपको ट्रांसपेरेंसी देखने को नहीं मिल रहा है ग्राफ चार्ट में।
चाहे वो आप 15 मिनट का हिस्ट्री चेकआउट करें या फिर 30 मिनट का या फिर एक घंटे का हिस्ट्री अगर आप चेकआउट करेंगे, तो यहाँ पे एक घंटे में इतना ज़्यादा लॉन्ग आपको ग्राफ चार्ट में देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं देखें तो ग्राफ चार्ट का जो आपको कॉन्सेप्ट है काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उतना हद तक आपको ट्रस्टेड देखने को नहीं मिल रहा है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना है। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिला है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और यहाँ पे जो है कि ट्रेडिंग में अगर आप देखेंगे, मेरा यहाँ पे नुकसान हो चुका है। तो यहाँ पे पहली बार नुकसान हुआ है, आप देख पा रहे हैं 5000 रुपये का मेरा यहाँ पे नुकसान हुआ है और यहाँ पे सब कुछ शो कर रहा है। तो डेमो अकाउंट उतना भी अच्छे से अभी के टाइम पे हमें काम करता हुआ नज़र नहीं आया है, उतना अच्छा एक्सपीरियंस हमें नहीं दिया है, इसीलिए इसका रिव्यूज़ भी आपको उतना अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। तो बाकी आपको क्या लगता है कि नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यहाँ पे ये जो ऐप है काफ़ी हद तक, कितना हद तक ट्रस्टेड बनता है। आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में टॉपिक के साथ।